नमस्ते, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल के चलते दंगे एवं हिंसा का माहौल बना हुआ है। इसी संदर्भ में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुसलमानों द्वारा हिंसा किए जाने के आरोप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक दावे में एक जलते हुए घर की तस्वीर शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एक हिंदू बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटॉन दास के घर में आग लगा दी गई है। अक्सर गलत जानकारी शेयर करने वाली सुनंदा रॉय और हिंदुत्व नाइट ने 5 अगस्त को ये तस्वीरें शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया। कई अन्य यूजर्स ने भी ये दावा किया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटॉन दास के घर में आग लगा दी गई है। ऑल्ट न्यूज ने इस दावे की सच्चाई का पता करने के लिए उस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया जिसे क्रिकेटर लिटॉन दास का घर बताया जा रहा है। हमें कई बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट्स मिली जिनमें यही तस्वीर थी। इन सभी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घर पूर्व क्रिकेटर मशरफ मुर्तजा का था। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट का टाइटल है मशरफेज नरेल होम वेंडलाइज्ड टॉर्च्ड, यानी मशरफे के नरेल वाले घर को तोड़ फोड़ कर जला दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों ने नरेल के सांसद मशरफे बिन मुर्तजा के घर के साथ साथ जिला परिषद अध्यक्ष एडवोकेट सुभाष चंद्र बोस और जिला अवामी लीग के महासचिव निजामुद्दीन खान नीलू के घरों में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी। जिला अवामी लीग कार्यालय को भी आग लगा दी गई। यहां ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है जिसमें उसी इमारत की एक तस्वीर है और इसकी पहचान मशरफे मुर्तजा के घर के रूप में की गई है। हमें बंगाली और अंग्रेजी में कई अन्य रिपोर्टें मिली जिनमें यह कहा गया है कि वायरल वीडियो में जिस घर में आग लगी थी वह मशरफे बिन मुर्तजा का था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुर्तजा एक पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने बांग्लादेशी टीम की कप्तानी भी करी है। वे 2019 से 5 अगस्त 2024 तक शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से सांसद भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लिटॉन दास के घर में आग लगाए जाने वाला वायरल दावा झूठा है। सच ये है, वायरल तस्वीर में दिखाया जाने वाला घर पूर्व क्रिकेटर एवं आवामी लीग के सांसद मशरफ बिन मुर्तजा का है। ऐसी ही और झूठी जानकारियों का सच जानने के लिए देखते रहें ऑल्ट न्यूज़। धन्यवाद।